हेलो थ्री एंड पे तो चलो होगा क्योंकि पिछला वीडियो मुझे रीड करने में भी मजा आया था और मेन वो स्टार जेट डेथ मांग रहा है। शांति से रहियो बंदा, एक ही अटैक में जला के राख में बदल दूंगा। जिसके बाद हमने देखा था हेवन का वो बंदा आता है और जियो यो और जो यान को पकड़ता है, लेकिन जॉन की बॉडी में चला जाता है स्टार स्काई टैबलेट और वो बंदा खोज भी नहीं पाता। जिसके बाद हमने देखा था टैबलेट कहती है हेवन के लोगों को इतनी जल्दी अलर्ट होने के बारे में मैंने नहीं सोचा था और यही मैंने एपिसोड एंड किया था। तो चलो अब एपिसोड का एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब मार दो। साथ ही किसी का कमेंट भी था कि हेवन के लोग यूमू के टाइम पे नहीं आए थे लेकिन जेट टैबलेट को देखते ही आ गए। तो देखो भाई, उनके बीच में अभी फाइट हो रही है जेट टैबलेट के लिए, इसलिए उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है और कौन बच रहा है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो यह एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। इस टाइम पे स्टार स्काई टैबलेट जो यान को डोमेन लॉर्ड के काफी सारे सीक्रेट बता रहा होता है कि कैसे उसने डोमेन लॉर्ड को मरते हुए देखा था और इसीलिए वो हेवन पे नहीं जाना चाहता था। जिसके बाद मून स्टार स्काई टैबलेट कहता है मैं हेवन में इसलिए भी नहीं जाना चाहता क्योंकि डोमेन लॉर्ड की मौत के बाद 10 गार्डियंस ऐसे हैं जो कि डोमेन लॉर्ड बनना चाहते हैं और मेरी प्रेजेंट टाइम की पावर काफी वीक है और अगर मुझे उनके द्वारा छीना जाता है तो मुझे ना चाहते हुए भी उन्हें एक्सेप्ट करना होगा और मेरा दिमाग मून हेवनली पैम से जुड़ा हुआ है तो इसीलिए उसे भी इसे एक्सेप्ट करना होगा और इसके कारण ना चाहते हुए भी वो जो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाएगा। और ऐसा कहते हुए स्टार स्काई टैबलेट काफी उदास होती है। जिसके बाद वो कहती है पिछले डोमेन लॉर्ड को इन लोगों ने फॉलो किया था और टाइम के साथ उनके नाम को मून हेवनली पैन द्वारा मिटा दिया गया था। साथ ही जब तक मून हेवनली पैन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती तब तक इस दुनिया में वो सब जिंदा रह सकते हैं और कोई भी उन्हें मार नहीं सकता। स्टार स्काई टैबलेट की बात को सुनकर तो जोयान तुरंत ही काफी शॉक हो जाता है क्योंकि इस टाइम पे उसे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो काफी बड़ी थी जिससे तो वो रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा होता। जिसके बाद जॉन कहता है आखिरकार ये डिवाइन ऑब्जेक्ट है जो कि डोमेन लॉर्ड को डिसाइड करती है तो मून हेवनली पेन तो और भी खतरनाक होगी। तभी स्टार स्काई टैबलेट बताती है वो वास्तव में पास्ट और प्रेजेंट के साथ कन्वर्सेशन कर सकती है और किसी भी पर्सन का नाम मिटा सकती है और उसे इमोर्टल रियलम तक पहुंचा सकती है। नाम मिटाने से क्या यमराज की बुक से नाम मिटा देती है क्या ये पेन कि यमराज की लिस्ट से वो बंदा ही गायब। तभी उसकी बात को सुनकर जोयान काफी सीरियस होते हुए कहता है आखिरकार ये 12 डिवाइन ऑब्जेक्ट अपनी रेपुटेशन में पूरी तरीके से खड़े उतरे हैं और हेवन के नीचे केवल एम्परर फ्लेम है जो इनका कंपैरिजन कर सकती है। तभी जो कहता है क्योंकि ये इतना ज्यादा पावरफुल है तो वो सभी गार्डियंस मिलकर सोल डेमन्स को क्यों नहीं मार देते क्योंकि वो तो मरेंगे नहीं तो वो सोल डेमन्स को आकर मार दें। इस टाइम पे तो जॉन भी जो यो भी काफी सरप्राइज था क्योंकि उसने कभी भी इस तरीके के मेथड के बारे में नहीं सुना था। तभी स्टार स्काई टैबलेट जो यो को डांटते हुए कहती है क्या तुम इडियट हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम उन्हें मार नहीं सकते, तुम उन्हें सप्रेस कर सकते हो। 9 डिसाइबल में से किसी को भी फॉर्मेशन में हजारों सालों तक सील किया जा सकता है। तभी उसकी बात को सुनकर जोयो तुरंत ही अपने कंधे उठा देता है और इसके बाद वो कहता है हेवन के प्रोटेक्टर्स क्या वे सभी लोग सुप्रीम सेंट लेवल पर पहुंच गए हैं। तभी इसकार स्टार स्काई टैबलेट कहती है क्या मुझे इसमें कोई कुछ कहने की जरूरत है और उसकी आवाज को सुनकर तो जो यान की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। हालांकि उसने काफी लंबे टाइम से सोचा था कि इनकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक होगी फिर भी स्टार स्काई टैबलेट की पुष्टि के बाद तो वो अपने दिल में काफी भारीपन फील करता है कि अगर उसे खोज लिया गया तो किस तरीके से पेला जाएगा वो सोच भी नहीं सकता था। तभी स्टार स्काई टैबलेट कहती है अरे इतनी छोटी सी बात से डर रहे हो, हालांकि मैं अभी अभी ठीक हुआ हूँ लेकिन हेवन के लोग चाहे कर भी मेरे होते हुए तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चिंता मत करो उन चींटियों के लिए। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है हालांकि इसके बारे में ये मत सोचना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, जब तक हेवन के लोग तुम पर अटैक नहीं करेंगे मैं किसी और पर्सन के अटैक में तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करूंगा, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, चाहे तुम जियो या मरो इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा। ये सुनकर जॉन हेल्पलेस तरीके से स्माइल करता है कि उसने वास्तव में रूलर को तो वापस से क्रिएट कर दिया था लेकिन वास्तव में वो इससे कोई उम्मीद नहीं रख सकता था। तभी अचानक आवाज आती है बच्चे मुझे लगता है तुमने सिंक्रोनाइजेशन की आर्ट भी सीखी है लेकिन ये केवल इसका एक पार्ट है। तभी जॉन कहता है ये सही है, ये वही है सिंक्रोनाइजेशन आर्ट और जब मैं स्टार मून आइलैंड में था तब डोमेन लॉर्ड के धर्मा आइडल में से एक ने मुझे ये सिखाया था। इस टाइम पे जॉन भी स्टार स्काई टैबलेट से ज्यादा कुछ नहीं छपाता और उसके सामने अपने सारे ही सीक्रेट उसे बता देता है। तभी स्काई टैबलेट कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन का दूसरा पार्ट मैं अपनी कुछ ताकत को वापस पाने के बाद आपको सिखाऊंगा, इस तरीके से मेरे लिए सोल डैमेज से निपटना आसान हो जाएगा और कम से कम स्टार फील्ड के भीतर तो मैं 9 डिसाइबल्स के खिलाफ लड़ने में कैपेबल हो ही जाऊंगा। और ऐसा कहते हुए उसकी आवाज काफी अलसी लग रही होती है। जिसके बाद स्टार स्काई टैबलेट कहती है कि हेवन द्वारा ढूंढे जाने के अलावा हम सोल डैमेज के हाथों में भी नहीं पड़ सकते, बंदा स्टार फील्ड काफी बड़े नुकसान में पहुंच जाएगी। जब पे जॉन तुरंत ही कहता है ठीक है और ये सोचकर और इस थॉट के साथ कि स्टार स्काई टैबलेट को सिंक्रोनाइजेशन की आर्ट आती थी वो पहले ही सबको सरप्राइज करने के लिए काफी था और ये सिंक्रोनाइजेशन की आर्ट कुछ ऐसी थी जो कि उसके लिए पूरी तरीके से बेकार थी, मतलब ज्यादा काम की नहीं थी और केवल 9 डिसाइबल्स के ऊपर इसे यूज किया जा सकता था, बाकी किसी भी एनिमे के ऊपर इसका कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं था। तभी स्टार स्काई टैबलेट प्राउडफुल तरीके से स्माइल करते हुए कहती है इसके अलावा मुझे आपके एम्परर फ्लेम के अंदर सॉवरेन फायर सोर्स की पावर को उधार लेने दे
और अगले ही पल लिटिली जोएन की बॉडी के बाहर दिखाई देता है और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपका रहा होता है। साथ ही वो बहुत ज्यादा शांत भी था और उसकी आंखें काफी अजीब तरीके से साइन हो रही होती है। तभी जोएन भी कहता है, बास्टर्ड तुम ज्यादा दूर मत जाओ। जोएन को उम्मीद नहीं थी कि ये इतना ज्यादा बेशर्म होगा कि वो उसकी बॉडी की हर एक चीज को ही अपना मान लेगा। तभी वो कहता है, अबे छोटे लड़के नाराज मत हो, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं, ना ही उन्हें कोई परेशानी होगी। और साथ ही जब मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुझे कुछ और एम्परर फ्लेम्स को खोजने के लिए ले जाऊंगा, देख ले ऑफर अच्छा है। और ऐसा कहते हुए वो काफी ज्यादा बेशर्मी से हंसकर लिटिली के बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। और ऐसा कहते हुए वो जरा सा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। तभी जोयान एक गहरी सांस लेता और जोयो की तरफ देखता है तो दूसरे जोयो भी काफी उदास तरीके से देख रहा होता और कहता है, ये चीज वास्तव में एक डिवाइन वेपन होने लायक है, ये कहीं भी कभी भी घुस सकती है। तभी जोयान कहता है, लॉर्ड कहाँ है, क्या आप उसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं। और कैपिटल ऑफ कैओस के जाते टाइम जोएन पूछताछ के तरीके से उससे पूछ रहा होता और वो हेवन को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस था। और जब से वो चार ग्रेट एकेडमियों में स्टार मून आइलैंड में अपनी ट्रेनिंग के लिए गया था तब से ये स्वर्ग हेवन का नाम उसके कानों में तैर रहा होता है। तब सोल डेमन के 9 डिसाइबल और उसके आजाद होने की बात और हेवन की बात इन दोनों ने ही जोएन को हैरान कर दिया था। जिसके बाद मिंगयांग डिवाइन डोमेन में जाकर जोयान को वहाँ पे हेवन के जैसे ही ब्राइट डिवाइन डोमेन के बारे में पता चला था जहाँ सेंजू के फादर वहाँ के डोमेन लॉर्ड थे। तभी स्टाइल्स का टैबलेट की धीमी आवाज आती है और वो कहता है, वो जगह काफी ज्यादा सीक्रेट से भरी हुई है और अगर मैं आपको अभी बता भी दूं तो भी आप इसे नहीं समझ पाएंगे। और फायर सोर्स के अंदर आकर वो काफी ज्यादा खुश भी होता है। तभी जोएन भी हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है, लगता है ये कितना ज्यादा मिस्टीरियस है कि आप भी नहीं जानते। तभी स्टाइल्स का टैबलेट कहती है, लिटिल बास्टर्ड तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हो, जब मैं हेवन में था तो ऐसी कोई जगह नहीं है जो मैंने नहीं देखी, मुझे भला क्या पता नहीं होगा। तभी जोएन कहता है, कोई जगह, और उसका दिल कोल्ड हो जाता है। और इसके बाद वो तीन एशियन डोमेन्स के बारे में याद करता है जो मिथ में थे, क्योंकि ये तीन एशियन डोमेन ही ग्रेट वर्ल्ड के अंदर पैदा होने वाले सबसे फर्स्ट 3 डोमेन थे, स्टार डोमेन, मिंगयांग डिवाइन डोमेन और मिडिल डोमेन। और जहाँ तक बाकी के डोमेन्स की बात थी, इन्हें बाद में क्रिएट किया गया था, जैसे बारबेरियन डोमेन को बारबेरियन लॉर्ड ने बनाया था। तभी जोएन कहता है, तुम्हें क्रिएट हुए कितना टाइम हो चुका है। जोएन को अच्छे से पता था कि ये बंदा तभी क्रिएट हुआ था जब लगभग डोमेन लॉर्ड ग्रेट वर्ल्ड में स्टार डोमेन क्रिएट हुआ था, और अगर ये इतना ही पावरफुल और खतरनाक डिवाइन वेपन था तो ये अचानक से बिखर क्यों गया था। तो स्टार स्काई टैबलेट कहती है, ये बहुत बहुत समय पहले की बात है और ऐसा लगता है कि हेवन कई बार ऐसे डिजास्टर भी झेल चुका है। हालांकि स्टार स्काई टैबलेट आवर्ती है क्योंकि उसे पता था वो ग्रेट वर्ल्ड के अंदर 12 डिवाइन चीजों में से एक थी, इसलिए वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती थी। हालांकि वो बिखर सकते थे लेकिन पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो सकते थे, और उनके इसी इफेक्ट के कारण एशियन टाइम से अब तक केवल 12 ही डिवाइन ऑब्जेक्ट थे। तभी जोएन भी कहता है, तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। और जोएन को पता था कि पास्ट का टाइम में ऐसा कुछ नहीं था जिसका कंपैरिजन वो आज के टाइम से कर सके, यहाँ तक कि उस टाइम के लाखों वर्षों पुराने सोल डायमेंड्स वो कितने ज्यादा पावरफुल थे, आज के टाइम के लोग तो उनके सामने कुछ नहीं है। जिसके बाद जोएन कहता है कि आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और इसके बाद जोएन के पसंद बदल जाते हैं। तभी स्टार्स का टैबलेट आलसी आवाज के साथ कहता है, ये तुम्हारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है और मेरे मन पे। तभी जोएन कहता है, हेवन मिंगयांग डिवाइन डोमेन में ब्राइट डिवाइन डोमेन के जैसा ही है, तो क्या हर एक डोमेन में हेवन के जैसे ही एक प्लेस है, और क्या ग्रेट वर्ल्ड के नीचे भी कोई ओरिजिन है। और ऐसा कहते हुए जोएन काफी सीरियस होता है। साथ ही जियो जियो के लापता होने के बारे में वो काफी लॉन्ग टाइम से सोच रहा था, और उसे पता था कि एक हेवनली सॉवरेन लेवल के वॉरियर काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन कोई भी नॉर्मल पर्सन जो हेवनली सॉवरेन लेवल पर, उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो स्पेशल रियलम में कदम रखे, ये केवल सुप्रीम सेंट लेवल के वॉरियर कर सकते थे। और प्रेजेंट टाइम पे ग्रेट वर्ल्ड के अंदर सुप्रीम सेंट लेवल के वॉरियर केवल हेवन्स के अंदर ही थे। इतने जोएन जियो जियो को हेवन जैसी जगहों पे ढूंढना चाहता था। तो स्टाइल्स का टैबलेट काफी एरोगेंट तरीके से कहती है, आप इसके बारे में काफी ज्यादा सोचते हैं, लोअर रियलम में आए हुए डाउडीज के लिए स्पेस एक ऐसी जगह है जो कि एशियन टाइम से ओरिजिन में है, और यहाँ तक कि डोमेन लॉर्ड भी उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। और ऐसा कहते हुए वो काफी एरोगेंटली स्माइल कर रही होती है। तभी जोएन की भौहें खड़ी हो जाती है और वो तुरंत ही कहता है, डोमेन लॉर्ड भी इसमें कदम नहीं रख सकते। जिसकी वजह खुद से ही कहता कि अगर डोमेन लॉर्ड भी वहां नहीं जा सकता तो जो जो गायब कैसे हुई, कैसा हो सकता है कि ले यिंग ने उससे झूठ बोला हो। और ऐसा कहते हुए जोएन की आंखों में कोल्ड किलिंग इंटेंट और दौड़ने लगता है, क्योंकि अगर जियो जियो के लापता होने का वास्तव में इन दोनों साथियों से कोई लेना देना होता तो वो तुरंत ही इन्हें मार देता, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी थी कि हेवन और भी ज्यादा पावरफुल हो और काफी सारे ऐसे भी सीक्रेट हो जो हर किसी को ना पता हो। साथियों से पता था कि जिन अदर लोकेशंस के डोमेन लॉर्ड हैं उनकी जगह काफी सारे स्पेशल रियलम से जुड़ी हुई थी, इसलिए जोएन कहता है, अनगिनत जनरेशंस के बाद मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या छिपा हुआ है, लेकिन शायद मैं भी इसमें कदम रखूंगा और तब मैं इसे खुद ही देखूंगा। ये सुनकर स्टार्स का टैबलेट वो अचानक से शॉक होती है और उसे एहसास होता है कि शायद उसने कुछ ऐसा कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। और ये सुनकर जोएन भी थोड़ा शॉक होते हुए अपनी बॉडी से किलिंग इंटेंट और इको गायब करता है। और इसके बाद जोएन कहता है, क्या हो सकता है कि हेवन के ऊपर और भी स्ट्रांग वर्ल्ड हो जिसके अंदर और भी पावरफुल लोग हो और भी पावरफुल ओरिजिन हो।
और इसके बाद जॉन तुरंत ही कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि डोमेन लॉर्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं? तो अगर ऐसा है तो वो बिना किसी चीज की परवाह किए हुए सोल डेमन्स को ग्रेट वर्ल्ड के अंदर कहर क्यों बरसाने देते हैं? हालांकि जॉन जितना ज्यादा एक्साइटमेंट में ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है, उससे दोगुने एक्साइटमेंट में जॉन को केवल साइलेंट यानी चुप्पी मिलती है। जाहिर सी बात थी कि टैबलेट जॉन के क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं देता, जिसके बाद जॉन जो यो की तरफ देखता है और जो यो भी काफी उदास होता है, क्योंकि फोर कलर की एम्फर फ्लेम का फायर सोर्स तो स्टार स्काई टैबलेट के कब्जे में था, तो जियो यो केवल शांति से फायरबॉल में बदलकर जियो लिटिली के कंधे पर लेट और बैठ सकता था। तभी जियो यो जियो यान को अपनी तरफ देखते हुए कहता है, मामू मुझे तो नहीं पता। तथीष्टा स्काई टैबलेट से सुनी हुई बातों के बाद तो उसकी जो थिंकिंग हेवन के लिए थी वो पूरी तरीके से बदल गई होती है। तभी जॉन भी अपने सिर को लाता और इसके बारे में सोचना बंद कर देता है। हालांकि वो बहुत कुछ जानने के बारे में काफी ज्यादा एक्साइटेड था और ऐसा लग रहा था कि जियो जियो के लापता होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज हेवन जैसे ही रिलेटेड किसी जगह से होनी चाहिए। हालांकि वो नहीं जानता था ये किस डोमेन में है। स्टारफील्ड का हेवन, मिंगयांग डिवाइन डोमेन का ब्राइट डिवाइन डोमेन, यहाँ तक कि बाकी के डोमेन्स, डार्क ओशन, ऐसी जगहें भी थी जिनका नाम वह जानता भी नहीं था। और ये जगह भी वो हो सकती थी जहाँ जियो जियो हो। तभी स्टार स्काई टैबलेट की आवाज आती है, जहाँ चारों तरफ सोल डेमन की कोई है, और इसके बाद उसकी वॉइस बंद हो जाती है और कोई फर्क नहीं पड़ता कि जॉन उसे कितनी बार बुलाता है, वो जॉन के किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। तभी जॉन की भुए खड़ी हो जाती है और वो खुद से ही कहता है, क्या ये इन जिक्सुआन है? तभी जॉन कहता है, क्या ये इन जिक्सुआन है? इस टाइम पे जॉन केवल इसी पर्सन के बारे में सोच सकता था। साथ ही जॉन ने ऐसा भी फील किया था कि शायद हेवन के गार्डियंस भी यहाँ से गुजरे थे, लेकिन उन्होंने भी शायद इस पर ध्यान नहीं दिया था। तभी जियो यो कहता है, हेवन के लोग वास्तव में स्टार स्काई टैबलेट के बारे में सोच रहे हैं, वे यहाँ कैसे आ सकते हैं? क्योंकि वो अगर यहाँ पे आए तो सभी को इसके बारे में पता चल जाएगा। तभी जियो यान भी कहता है, ये सही है। और इसके बाद उसकी स्पिरिचुअल पावर उसके फोरहेड से बाहर निकलती है और सभी डायरेक्शन में फैलने लगती है, और एक पल के अंदर ही वो कई दसियों हजार मील के एरिया को कवर कर लेता है, जिससे उसे सब कुछ देखने की इजाजत मिल जाती है। जिसके बाद जॉन कहता है, ये वास्तव में वही है और दूसरा पर्सन इन कैंग है उसके पास। और इसके बाद जॉन कोल्ड तरीके से हंसते हुए बड़े बड़े कदमों के साथ आगे बढ़ जाता है। भाई पहले तो सिंक्रोनाइजेशन आर्ट को यही के यही एक्टिवेट कर ले, उसे क्रिएट कर ले, और उसके बाद जाते ही उसके ऊपर मार देना। मैं होता तो यही करता। भाई तुम बंदूक लोडेड लेके जाओगे ना कि दुश्मन के सामने या आतंकवादी के सामने? तुम पहले बंदूक में गोलियां भरोगे कि रुक भाई टाइम प्लीज, पहले मैं अपनी गोलियां भर लूं? इतने में तो वो भूंज के निकल जाएगा। खैर देखते हैं अपन क्या करता है अपना ठरकी। स्टाफ जॉन को नहीं पता था इन कैंग और इन जिक्सुआन वहाँ पे क्यों थे, लेकिन जॉन ने फेल किया था। इन जिक्सुआन उसका पीछा कर रहा था और इन कैंग भाग रहा होता है, और ऐसा लग रहा था कि वो चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे हैं, जहाँ पे इन कैंग को बुरी तरीके से पीटा जा रहा होता है, यहाँ तक कि वो तो पहाड़ों तक उसका पीछा करना जारी रखता है। जिसके बाद हमें आवाज सुनाई देती है, उस चीज के बारे में क्या? अगर तुम उस चीज को मुझे नहीं देते तो मैं तुम्हें यहाँ तड़पा तड़पा के मार दूंगा। और एक ब्लैक फॉग इन कैंग के सामने आ जाती है, जिससे बाद वाला कोई भी एक्शन नहीं ले पाता। और इसके बाद इन जिक्सुआन एक पंच को फेंकता है और बेचारा लड़खड़ाता हुआ जमीन में जाकर गिरता है। तभी इन कैंग गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, आप वास्तव में उसके बस में हो? डैम इट, मेरे फादर को मुझे लौटा दो। उसके फेस एक्सप्रेशन काफी ज्यादा क्रूअल होते हैं और आंखें तो लगभग ब्लड रेड हो गई होती, जैसे खून उतर आया हो। तभी इन जिक्सुआन स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें तो रिस्पेक्टेड फील करना चाहिए कि इसे मैं यूज कर रहा हूँ। और इसके बाद वो आगे बढ़ते हुए इन कैंग की चेस्ट पे तुरंत ही पैर रख देता है, और उसके पैर की पावरफुल पावर के साथ इन कैंग की हड्डियों में चड़बड़ाने की आवाज आ रही होती है, और इसके बाद उसकी हड्डियां टूटती है और मुंह से बड़े बड़े खून के थक्के निकलने लगते हैं, और हालत काफी बुरी होती है। साले इतना खून लाते कहां से है? ऐसा लगता है कि अनार के बगीचे में बैठ के 24 घंटे चुकंदर खा रहे होते हैं ये। तभी इन जिक्सुआन ब्लड रेड आंखों के साथ तुरंत ही कहता है, आप इसे अभी भी बाहर नहीं निकालना चाहते? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कुछ और सालों तक तुम्हें खिलाना पिलाना चाहता था क्योंकि तुम काफी टैलेंटेड थे, लेकिन अब लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं। साथ ही वो इस ब्लड की स्मेल को फील करके काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। और इसके बाद वो नीचे बैठकर इन कैंग के कंधे को पकड़ लेता है, और इन कैंग के तड़पड़ा और झड़पड़ाहट झटपटाहट के बीच में उसके एक हाथ को तुरंत ही उसकी बॉडी से अलग कर देता है, और तुरंत ही खोलता हुआ खून उसकी बॉडी से निकलने लगता है, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। जिसके बाद इन जिक्सुआन कहता है, मैंने तुम्हें कल्टीवेशन करने के लिए इतना लॉन्ग टाइम दिया, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम मेरी उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। तुम्हारी प्रेजेंट टाइम की पावर इतनी सी है, ये तो कुछ भी कहने के लायक ही नहीं। और इसके बाद वो इन कैंग की चेस्ट पर कदम रखता है, जिससे इन कैंग काफी दर्द से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद वो इन कैंग के हाथ के अंदर ब्लैक कोई को डालने लगता है, जिससे इन कैंग की टूटी हुई भुजा के यानी कि हाथ की हेल्प से वो उसकी बॉडी के अंदर इंटर हो सके। और जैसे ही वो उसके अंदर इंटर करने ही वाला था कि तभी अचानक पावरफुल फ्लेम से जलने की आवाज आती है, और इन जिक्सुआन के फेस एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो तुरंत ही आगे बढ़ता है, और आग की फ्लेम लगभग उसकी बॉडी को चीरते हुए निकलती है। जिसके बाद फ्लेम की पावर को फील करते हुए इन जिक्सुआन का चेहरा पीला पड़ जाता है और एक आवाज आती है, वाह क्या बात है। आवाज काफी कांप रही होती है क्योंकि इस फ्लेम से लगभग उसने मौत को फील किया था। जिसके बाद वो पीछे मुड़कर जब चेहरा देखता है तो तुरंत ही कहता है, ये तुम हो। इन जिक्सुआन पूरी तरीके से शॉक रह जाता है, और इसके बाद वो खतरनाक तरीके से हंसते हुए कहता है, बहुत दिनों से नहीं मिले, तुम अभी भी जिंदा हो, क्या तुम यहाँ पे मरने के लिए आए हो?
उसके दिल में जॉन की काफी गहरी छाप थी और खास तौर पर स्टार सावरिंग माउंटेन रेंज में उसने इन जीत स्वान के साथ हाथ मिलाया और जॉन और जेट फेरी को लगभग मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन बाद में जेट फेरी ने अपनी ओरिजिनल पावर दिखाई थी और जोयान और जोयो की हेल्प से लगभग वो मरने ही वाला था, जिसके कारण वो जोयान से अपने दिल से नफरत करता था। और अब जबकि उसने इंजिक्सन की बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था तो उसकी पावर भी काफी अच्छी तरीके से बढ़ी थी और नाइन डिसाइबल से मिलने के बाद उसकी स्ट्रेंथ में और भी काफी स्पीड से इजाफा हुआ था। और अपनी पावर के साथ अब उसे फुल कॉन्फिडेंस था कि वो अपनी पावर के यूज करके सोल डायमेंस की पावर को पूरे स्टार माउंटेन सावरिंग रेंज में फैला सकता है। और नाइन डिसाइबल एक बार जब उसे देखेगा तो वो तुरंत ही उसे अपना सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट कर लेगा। तभी जॉन कहता, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन पिछली बार जब मैंने तुम्हें पीटा था तो मुझे याद है कि तुम घबरा कर भाग गए थे। इस टाइम पे जॉन काफी सीरियस तरीके से इंजिक्सन को देख रहा था और उसने फील किया था ये बंदा इंसान की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, पूरी तरीके से अलग लग रहा था, जैसे सोल डायमेंस से कंट्रोल कर रहे हो। और उसकी बॉडी से ऐसा ऑरा फील हो रहा होता जो उसे यूमू की बॉडी से फील हुआ था। जिसके बाद वो इनकैंग की तरफ देखता है जहाँ इनकैंग दर्द से चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गया होता है। तो उसे तुरंत ही मीनिंग की याद आती है क्योंकि उसके एक हाथ को तोड़कर ही यूमू उसकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ था। जिसके बाद जॉन कहता है ये आदमी शायद यूमू से मिल चुका है और इसका मतलब है कि कैपिटल ऑफ कैओस से भागने के बाद यूमू स्टार सावरिंग माउंटेन रेंज में आया था। जिसके बाद जॉन खुद से ही कहता है और उसे अचानक से याद आता है कि क्या हुआ था जब वो और जेट फेरी स्टार सावरिंग माउंटेन रेंज में थे। तब जेट फेरी ने कहा था कि नौ डिसाइबल्स में से एक स्टार माउंटेन सावरिंग रेंज में मरा था जिसका नाम ताइकुई था। तो क्या ऐसा हो सकता था कि जो एबिस में दसा हुआ था वो वही था? और ये सोचकर तो जॉन हैरान रह जाता है। और इसके बाद चांगमिंग हॉल के हिडन रियलम के बारे में सोचता है। वहाँ उसे लाई नाम के नौवें डिसाइबल ने बताया था कि ताइकुई और यूमू पहले ही बैटल डोमेन जा चुके हैं और ये पहले ही बहुत भयानक था, यहाँ तक कि स्टार स्काई टैबलेट भी उन्हें सप्रेस नहीं कर सकी थी। तभी इंजिक्सन कहता है, अगर पिछली बार कोई आपकी मदद के लिए नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि आप वहां से बचकर निकल पाते? और इसके बाद इंजिक्सन पूरी तरीके से एक ब्लैक शैडो की तरह आगे बढ़ता है और चारों तरफ ब्लैक फॉग बढ़ने लगती है जो पूरे आकाश को कवर कर लेती है। जिसके बाद वो ब्लैक फॉग एक पावरफुल पाइथन में क्रिएट हो जाती जो एक हाथ जितना मोटा था और उसका मुंह ब्लड रेड होता है और जॉन की तरफ काटते हुए वो दौड़ने लगता है। साथ ही इस कोई और के कारण स्पेस काफी अरग क्रेक हो रहा होता है और ऐसी पावर को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि ये पावर हाउस लॉन्ग टाइम पहले ही एम्पायर कल्टीवेशन लेवल से आगे निकल चुका था। दूसरी जॉन की आंखें कोल्ड होती है और वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो चार कलर की एम्पायर फ्लेम जॉन के सामने अपीयर होती है और एक दीवार को क्रिएट कर देती है। साथ ही वो फ्लेम काफी खतरनाक तरीके से जल रही होती है और जैसे ही ब्लैक पाइथन उसे टच होता है तो बुरी तरीके से चिल्लाते हुए बेचारा गायब हो जाता है। और ये देखकर इंजिक्सन के पास आगे बढ़ने से खुद को रोकने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद वो जॉन के चारों तरफ घूम रही फायर बॉल को देखते हुए उसकी आंखों में डर दिखाई देता है। जिसके बाद जॉन कहता है, अच्छा होगा कि तुम थोड़ा सा औकात में रह के बात करो, मुझे लगता है कि मेरी ये फ्लेम ही तुम्हारी लाइफ की लंका लगाने के लिए काफी होगी। वैसे पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, जोयान को वो फ्लेम ढूंढनी चाहिए जो बजरंगबली के पूछ में लगी थी। भाई उस फ्लेम ने तो पूरी की पूरी लंका जला दी थी, यूमू कौन सी बड़ी चीज है। खैर चलो आगे चलते हैं और देखते हैं जॉन क्या इसे मार पाएगा या नहीं। स्टेप पे जॉन वहीं खड़ा हुआ होता और आवाज काफी सॉफ्ट होती है और जलती हुई फ्लेम ने जॉन की पूरी बॉडी को ढक रखा होता और वो फायर गॉड की तरह लग रहा होता है, यानी कि फ्लेम दी गॉड। और आसपास के ब्लैक पाइथन उससे डर कर पीछे हट रहे होते और आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहे होते और जो हिम्मत भी कर रहे होते वो जलकर राख में बदल जा रहे होते हैं। तभी इंजिक्सन कुल तरीके से इस्तेमाल करते हुए कहता, आपके पास बहुत सारी तरकीबें हैं लेकिन नाइन्थ डिसाइबल के सामने ये सब बेकार हैं। हालांकि उसने कहा काफी कोल्ड इंप्रेशन के साथ ऐसा था लेकिन उसकी बात में डर को साफ साफ फील किया जा सकता था। तभी जोयो की आवाज आती, मामू क्या तू इससे नौवे डिसाइबल के बारे में जानना चाहता है? ये इम्पॉसिबल है, ये बंदा तुझे कुछ नहीं बताएगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसे मार दे और अगर तू कुछ पूछना ही चाहता है तो स्टार स्काई टैबलेट से पूछ लेना, मुझे लगता है कि वो इससे ज्यादा अच्छी तरीके से तुझे रिप्लाई दे सकता है। तभी जॉन भी इसे हरकतों को भापता है और कहता है, मुझे पता है लेकिन मुझे अभी भी कुछ चीजें इससे पूछनी है। और इसके बाद सीरियस तरीके से और भारीपन तरीके से इंजिक्सन की तरफ देखता है और इसके बाद वो आगे बढ़ता है तो इंजिक्सन की बॉडी में उसे ऐसा फील होता है जैसे चारों तरफ उसे पावरफुल सुई चुभाई जा रही हो और उसे उसकी बॉडी में जलन फील होने लगती है, मानो जैसे उसकी लाइफ पावर धीरे धीरे गायब हो रही हो। जिसके बाद जॉन कहता है, कितने सोल डायमंड अपीयर हुए हैं और इंजिक्सन के गले को पकड़ लेता है। साथ ही इस टाइम पे जॉन की बॉडी की फ्लेम, जॉन की बॉडी तो पहले ही फ्लेम से कवर होती है और जल रही होती है, दूसरी तरफ वही फ्लेम इंजिक्सन की बॉडी में फैलने लगती है, जिसका मतलब था कि इस टाइम पे तो ये बंदा कोई भी चाल नहीं चल सकता था। तभी इंजिक्सन कोल्ड तरीके से स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम डरते हो, क्या तुम्हें डर लग रहा है? और उसके बाद उसकी बॉडी की ब्लैक कोई और भी बढ़ने लगती है और वो इंजिक्सन की पीठ के ऊपर अटैक कर देती है और बेचारा जोर से चिल्लाता है, ओई मां। और इस टाइम पे जब उसने भागने की कोशिश की थी तब एम्परर फ्लेम ने उसका पहला एक हाथ तो वैसे भी जलाकर राख में बदल दिया था। जिसके बाद जॉन कहता है, अगर अब तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो नेक्स्ट तुम्हारा सिर होगा।
और तुम्हारी खोपड़े के झोपड़े को उड़ा दिया जाएगा। जॉन के कोल्ड इंप्रेशन और बात को सुनकर तो सोल डेमन कांपने लगता है। जॉन को याद था जब उसने फर्स्ट टाइम सोल डेमन को देखा था, तब वो स्प्रिट हेवन मेंशन के पिल कॉम्पिटिशन में शामिल होने के लिए गया था और जियो क्लेन में जाने की स्ट्रेटजी बना रहा था। तब रास्ते में ये बंदा उसे यहाँ पे मिला था, जिसने एक मैजिकल बीच को कंट्रोल करके उनके ऊपर अटैक करा दिया था और मृत नीदरलैंड इंपीरियल कॉन्सोर्ट सुत्सुमा के साथ उसकी फाइट करा दी थी। और उस टाइम पे उसके एक भी अटैक का सामना जियोन नहीं कर पा रहा होता। लेकिन जैसे जैसे जियोन की पावर बढ़ती जा रही थी, नीदरलैंड इंपीरियल कॉन्सोर्ट सुत्सुमा की पावर के बारे में जियोन को समझ आता जा रहा था। और जियोन को याद था कि कॉन्सोर्ट सुत्सुमा ने तो लगभग अपने व्हाइट हेयर का यूज करके उसे मार ही डाला था। और अगर वो दोनों रियल बॉडी के साथ रियल बैटल करते तो वास्तव में जियोन उसके लिए मैच नहीं होता। सच उसने गलती से स्टार डोमेन में सोल डेमन का सामना किया था, उसे नहीं पता था कि बाकी की जगहों में ये अपेयर हुए हैं या नहीं। तभी इंजेक्शन दर्द से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं रोको, 9 डिसाइबल्स जाग गए हैं और उनके ऑर्डर्स पूरे ही ग्रेट वर्ल्ड में फैल गए हैं, और जब हमने उनके ऑर्डर्स को सुना तो हम भी जाग गए, और अब तो मुझे भी नहीं पता कि कितने सोल डेमन अपेयर हो चुके हैं। इस टाइम पे तो उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और एम्फर फ्लेम की पावर को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता, यहाँ तक कि वो हलने डुलने तक में कैपेबल नहीं रह गया था। साथ ही उसकी बात को सुनकर जोयान की भौहें तन जाती है और वो याद करता है स्टार मून आइलैंड में कदम रखने के बाद यूमू जाग गया था और यूनलो एकेडमी में प्रवेश करने से पहले ही वो उसके सामने आ गया था। और अगर दूसरे वर्डों में कहा जाए, 9 डिसाइबल्स में से एक यूमू था और शायद कुछ और भी ऐसे लोग थे जो पहले ही जाग चुके थे। इसलिए जॉन कहता है, ये तुम झूठ कह रहे हो, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर 9 डिसाइबल्स जाग गए होते तो हेवन को भी इसके बारे में पता चल जाना चाहिए था। इतने लोगों के जागने के बाद भी हेवन को पता क्यों नहीं चला। इस टाइम पे जॉन थोड़ा सा दंग रह जाता है, क्योंकि उसे ये बात कुछ अटपटी लग रही होती है। सबसे पहले जागा था तो इसे अपेयर नहीं होना चाहिए था। स्टेस का टैबलेट हंसते हुए कहती है, ये वो भी बेचारा भाग नहीं पाता। जिसके बाद सोल डेमन को मारने के बाद जॉन कहता है, स्टार डोमेन गार्डियन ने स्टेस का टैबलेट कौरी को फील कर लिया है, निश्चित तौर पर वो इसे पागलों की तरह ढूंढेंगे और शायद अभी नहीं तो बाद में मैं उन्हें मिल ही जाऊंगा, और उस समय मुझे उम्मीद है कि वो साथी अपनी बात मेरे सामने जरूर रखेंगे। साथ ही जॉन ने फील किया था स्टार डोमेन की ये नॉर्मल सोल डेमन इतने ज्यादा खतरनाक थे तो 9 डिसाइबल्स कितने ज्यादा खतरनाक नहीं होंगे। जिसके बाद जॉन अपना सिर घुमाता है और कैपिटल ऑफ केओस की डायरेक्शन में देखता है और एक पल के लिए सोचते हुए वो हेल्पलेस होकर सिर हिलाता है और बेहोश इन कैंग को देखकर भौहें चढ़ाते हुए वो आगे चला जाता है। उसने देखा था कि इस बंदे ने अपना हाथ पहले ही खो दिया है और अगर वो इसे पीछे छोड़ देता तो देर सवेर कोई हेवनली बीस्ट इसे खाकर अपना पेट भर लेता, और जॉन को अच्छे से पता था कि इसे बचाना चाहिए। साथ ही उन लोग एकेडमी से कभी भी अंदर आने की इजाजत नहीं देगी, क्योंकि जॉन इन कैंग से ज्यादा फैमिलियर नहीं था, तो इसके बारे में सोचते हुए वो केवल कैपिटल ऑफ केओस में ही उसे रख सकता था। तभी एक आवाज आती है, मामू हम इसका स्पेस ट्रेडिंग कंपनी में क्यों नहीं जाते, युआन टोंगटियन काफी पावरफुल है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास एक पर्सन है, हमारी मदद वो कर सकता है। ये सोचते हुए जॉन भी अपनी भौहें को उठाता है और इन कैंग को ऊपर उठाता है, और इसके बाद उसकी बॉडी के ब्लड को रोकने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए जॉन उसके कटे हुए हाथ को एम्फर फ्लेम से थोड़ा सा जला देता है, और इसके बाद आसमान पे उड़ते हुए वो कैपिटल ऑफ केओस की तरफ जाने लगता है। साथ ही वो इन कैंग को मदद इसलिए करना चाहता था क्योंकि उसका थॉट था कि ये प्रोफाउंड कैसल में वापस जाए, और अगर ये उसके फादर के लिए नहीं होता तो वो स्टार्टिंग से अंत तक जेट फेरी को भी नहीं जानता, और उसने मिंगयांग डिवाइन डोमेन में काफी सारी चीजों को फील किया था और उसके ही इफेक्ट के कारण जेट फेरी उसकी वाइफ बन गई थी। साथ ही इन कैंग की पावर को देखते हुए ही जॉन को और पावरफुल बनने का जुनून सवार हुआ था, और इसीलिए जोयान ये ज्यादा नहीं सोचता कि युआन टोंगटियन इन कैंग को रखने के लिए तैयार है या नहीं, क्योंकि उसे पता था कि एक बिजनेसमैन केवल अपने प्रॉफिट को देखता है, और जब तक जॉन उसे पर्याप्त दे सकता था वो खुशी से उसे रख लेगा, लेकिन अगर बाद बाला जागने के बाद इस जगह से जाना चाहता था तो ये उसकी खुद की चॉइस हो सकती थी, जॉन उसमें बिल्कुल भी रोकने वाला नहीं था। साथ ही हेवन स्पेस ट्रेडिंग कंपनी में पहुंचने के बाद मामला वैसा ही था जैसा जॉन ने उम्मीद की थी, और इसके बाद वो इन कैंग को ड्रैगन बियर्ड एज़्योर स्प्रिट जिनसेन के एक हिस्से के बदले में वहां रहने के लिए एग्री करा देता है, और युआन टोंगटियन बिना किसी हिचकिचाहट के इसमें एग्री हो जाता है। साथ ही उसकी युआन टोंगटियन ट्रेडिंग कंपनी एक बड़ी बिजनेस एक्सपर्ट थी, इसीलिए वो एक बेहोश हो चुके पर्सन की देखभाल करने से भला क्यों डरेंगे। साथ ही अगर वो फ्यूचर में जाग जाता और यहाँ रहने के लिए रेडी था तो उसे पावरफुल और टैलेंटेड सबऑर्डिनेट माना जा सकता था, और अगर वो यहाँ नहीं रह सकता था तो भी उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला था। ये देखकर जॉयान भी कहता है, धन्यवाद बॉस युआन, और इसके बाद वो काफी सुंदर सुंदर सर्वेंट्स को इन कैंग को वहां से दूर ले जाते हुए देखता है तो स्माइल करता और कुछ नहीं कहता। साथ ही टोंगटियन भी काफी चालाक पर्सन था और उसे पता था कितनी छोटी सी हेल्प से जॉयान के साथ जुड़ना उसके लिए काफी प्रॉफिटेबल हो सकता था, इसलिए वो जॉयान को इतनी छोटी सी बात के लिए नाराज नहीं करना चाहता था। इसलिए वो तुरंत ही कहता है, ब्रदर जियो चिंता मत करो, मैं निश्चित तौर पर उसकी अच्छी देखभाल करूंगा, और जब वो जागता है और जब तक ओबीडियंट तरीके से मेरी हर बात मानता है और वो इस जगह को नहीं छोड़ना चाहता तो युआन ट्रेडिंग कंपनी में कोई भी उसे छोड़ने के लिए नहीं कह सकता, वो जब तक चाहे यहाँ रह सकता है। और ऐसा कहते हुए युआन टोंगटियन अपनी छाती को थपथपाते हुए कहता है, उई लग गई रे। साथ ही उसकी आवाज काफी साफ होती है,
और अगर इनके यहाँ के कोई बैड थॉट थे तो वो बिल्कुल भी शांत रहने वाला नहीं था। तभी जॉन कहता है, वॉस योन ने अगर ऐसा कहा है तो अब मैं भी टेंशन फ्री हो सकता हूँ। और इतना सुनने के बाद जॉन खिलखिला उठता है और उसका मानना था कि योन टोंगटियन ये उसका ब्रेकिंग न्यूज टॉपिक था जो काफी लॉन्ग टाइम से चल रहा था। तभी योन टोंगटियन एम्बेस होकर काफी शक भरी नजरों से उन्हें देख रहे होते हैं, जिसके बाद वो कहता है एशियन सॉवरेन के रिवाइव होने के बाद उन्हें ओरिजिन क्वी के रिकवरी का भी तो जरूरत थी, सर्च करती थी, इसीलिए वो वहाँ पर है। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। ये सुनते हुए जॉन भी अपनी भुवें टेढ़ी कर लेता है, क्योंकि जब वो चौमिंग हॉल में था तो ग्रैंडमा सी से इस बात पे उससे चर्चा की थी और एशियन डायनेस्टी के बारे में उसे कुछ चीजें पता चली थी। और जब वो यहाँ पे और भी चीजें सुनता तो और सरप्राइज हो जाता है। तभी योन टोंगटियन कहता है हालांकि ये सच्चाई है, लेकिन कई लोगों ने इसका विश्लेषण किया है। हालांकि अजीब बात है कि जब से एशियन सॉवरेन ने तायांग माउंटेन में कदम रखा है तीनों डायनेस्टी भी शांत हो गई है और ऐसा लगता है कि एक दूसरे के सामने लिए अब उनके दिल में नफरत और दुश्मनी नहीं है। योन टोंगटियन एक बिजनेसमैन था और मिडिल डोमेन में भी उसके बिजनेस चलते थे। हालांकि तीनों डायनेस्टी की हरकतें उसके लिए अच्छी नहीं थी, लेकिन मुसीबत के टाइम पे उसे पता था पैसा काफी ज्यादा बन सकता है और आपदा ही अवसर है। ये सेम लॉजिक है जैसे कोई देश दूसरे देश पे अटैक कर दे तो उस टाइम पे उन देशों की लॉटरी खुल जाती है जो वेपन सप्लाई करती है और वेपन